अगर आपके पास स्लैश क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड का आप लिमिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। वैसे सभी के सभी कंपनियां का, सभी बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है उसका लिमिट को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होता है सेम होता है, रूल्स सेम ही होता है। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइस क्रेडिट कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जो कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड, जिसमें मुझे मिला था पहले 6 महीने पहले मैंने जैसे अप्लाई किया था उस वक्त मेरा जो लिमिट था 1,56,000 का लिमिट मेरा हुआ था, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही इसका लिमिट इंक्रीज हुआ है, 2,31,000 हो चुका है। तो कुछ ही महीनों के लिए, 6 महीनों के बाद ऑटोमेटिकली 70 से 75 हज़ार रुपया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो मेरा लगभग 6 महीने के अंदर ये 72-75,000 इंक्रीज हो चुका है। अगर आपको भी इंक्रीज करना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इस कार्ड का लिमिट को इंक्रीज कैसे करते हैं जानने से पहले सबसे पहले इसका बेनिफिट के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको यहां पर 10 लाख रुपए तक का अप टू 10 लाख, मतलब कि 10 लाख रुपए तक आपको यहां पर लिमिट मिलता है। अगर आपका बढ़ता है तो बढ़ता जाता है तो 10 लाख हो जाता है। इसके बाद अगर आप इसको यूज करोगे अच्छे से तो आपको यहाँ पर कोई भी EMI चार्ज नहीं है। जैसे कि कोई अदर क्रेडिट कार्ड में अगर आप 30,000 का कोई सामान परचेज करते हो और उसमें EMI अप्लाई करते हो 3 माह या फिर 6 महीने के लिए, तो आपको वहाँ पर GST देना होता है, टैक्सेस देना होता है, बहुत सारे वहाँ पर आपको पैसा देना होता है एक्स्ट्रा चार्ज। बट यहाँ पर आप पैसा नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ 3 महीने के लिए आपको एक छूट दी गई है। जितना अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 30,000 का आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ, तो उस 30,000 को आप 3 महीने में स्प्लिट कर सकते हो। पहले महीने में 10,000, सेकेंड महीने में 10,000, फिर 3 महीने में जो 3 नंबर महीने हैं उसमें भी आपको 10,000 पेमेंट करना होगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आपको यहाँ पर GST नहीं देना होगा, टैक्सेस नहीं देना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है। EMI नहीं है, ये 3 महीने के लिए होता है। 3 महीने से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लगेगा, लेकिन 3 महीने तक करेंगे तो आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, आपको इसे यूज करना चाहिए। ये सबसे पहला कारण है कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसका जो पार्टनर ब्रांड्स होते हैं उन पर अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो अप टू 10% का आपको वहां पर कैशबैक देखने को मिलता है, डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। इसके बाद यहां पर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मेरे को ये लगता है कि इसका जो भी पैसा होता है, जितना भी क्रेडिट लिमिट होता है, आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र सीधे ही कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसको आप रेंट पेमेंट या फिर पेटीएम में कन्वर्ट करके पैसे वहाँ पर डालना होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी आप शॉपिंग करोगे या फिर जो भी सामान परचेज करोगे 30 दिन तक आपको फ्री लिमिट मिलता है, आपको वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपका मान लीजिए इस महीने का बिल आया है 20,000 रुपीज, अगर आप फुल अमाउंट 20,000 रुपीज आपने एट ए टाइम पेमेंट कर दिए हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, 200 रुपये को वहाँ पर सडनली मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप उसको स्प्लिट करोगे तो आपको 1% तो नहीं मिलेगा बट एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना होगा वो है लिमिट को आपको यूज करना है। कई सारे लोग होते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज ही नहीं कर सकते, मतलब कि यूज ही नहीं करते। काफ़ी सारे लोग यूज करते हैं तो डरते हैं कि इसको अगर पैसा नहीं भरे तो कैसे होगा, लेकिन अगर आप यूज अच्छे से करेंगे, लेकिन रिपेमेंट भी आपको अच्छे से करना होगा। अगर आप यूज कर लेंगे उसके बाद रिपेमेंट का जो स्किप हो जाएगा डेट, तो आपको वहाँ पर आपका लिमिट इंक्रीज करने में काफ़ी दिक्कत होगा। इसीलिए जब भी आप इसको यूज करें, फॉर एग्जांपल आपका जो है 1,00,000 रुपये आपका क्रेडिट लिमिट है, तो आप हर महीने 50-60,000 यूज करें, आपका तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद टाइमली रिपेमेंट कर दीजिए, टाइमली पेमेंट कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे, इसके अलावा कोई अदर बैंक में भी अगर आपका लोन चल रहा है तो आप उस डेट का जो आपका ड्यू डेट होता है आपको उसको अंदर ही पेमेंट करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लोन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा या फिर इस कार्ड में भी आपको लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला आपको टाइमली रिपेमेंट करना होगा और यूज करना होगा, क्रेडिट स्कोर को आपको नीचे नहीं आना देना है, तब जाके इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ेगा। सो अगर आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।